दोस्तों गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और सारी ट्रेन्स खचाखच भरी हुई हैं, जिसको किसी भी रेलवे स्टेशन पर देखा जा सकता है। स्टेशन्स पर बढ़ती इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने कुछ कदम सोचे हैं। बात करें सेंट्रल रेलवेज की, तो सेंट्रल रेलवेज ने मुंबई और उसके आसपास के जो स्टेशन हैं जिसमें बहुत सारी भीड़ देखी जा सकती है, को कंट्रोल करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट का किराया बढ़ा दिया। हालांकि 9 मई को इस किराए को बढ़ा के लागू कर दिया गया था और 23 मई तक इसको खत्म करने की संभावना है, मगर अगर भीड़ काबू में नहीं होती तो इसको बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक 332 केसेस अलार्म चेन पुलिंग के नोटिस किए गए मुंबई डिवीजन में, जिनमें से 53 मामले ही वैध निकले, वहीं 279 मामले ऐसे थे जिनमें ऑफेंडर्स को प्रोसिक्यूट किया गया रेलवे एक्ट के तहत। दोस्तों जर्नी के दौरान क्या आपने कभी चेन पुलिंग की है या इस तरह की किसी घटना को कभी देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और प्लेटफॉर्म टिकट का किराया का इजाफा भी सही है या गलत, इस बारे में अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। फिलहाल जिन स्टेशन पर बढ़ा हुआ किराया लागू है उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर स्टेशन, लोकमान तिलक टर्मिनस, थाने, कल्याण और पनवेल जंक्शन। अब 23 तारीख को पता चलेगा कि रेलवे का बढ़ा हुआ किराया रेलवे वापस लेती है या प्लेटफॉर्म टिकट का किराया और भी कुछ दिनों तक बढ़ा रहने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस बारे में रेलवे क्या फैसला लेती है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।